दोस्तों, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना ही पड़ेगा, मतलब कर्म का फल हमें भोगना ही होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ये एक अटल सत्य है। आजकल व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद अच्छे फल की उम्मीद रखते हैं, तो आप ही बताओ ये कैसे संभव है। कर्म फल के विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कुमार पहला कदम। ये कहानी नहीं है, ये एक रमेश जी के जीवन की एक सत्य घटना है। रमेश चंद शर्मा जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था। रमेश जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपनी कमाई से जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ क्लिनिक लेबोरेटरी खोल ली। रमेश जी बहुत लालची किस्म के आदमी थे, उनकी मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती थी। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल फील्ड में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है, लेकिन अगर कोई रमेश जी से 2 रुपए भी कम करने को कहता तो रमेश जी ग्राहक को मना कर देते। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति रमेश जी के स्टोर में आया। आकर उसने डॉक्टर की पर्ची दी, रमेश जी ने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए का बना, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कुछ सोच रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुल 180 रुपए थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं, मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रमेश जी ने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने को कहा। रमेश जी बताते हैं कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर रमेश जी ने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी रमेश जी को 30 रुपए का मुनाफा ही होता, लेकिन रमेश जी के लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। रमेश जी की दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी रमेश जी पर कोई असर नहीं हुआ। वक्त बीतता चला गया, वर्ष 2009 आ गया। रमेश जी के इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो रमेश जी को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई, प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन बेटे की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सुधरी, उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने रमेश जी से अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद 2012 में रमेश जी के बेटे का निधन हो गया। रमेश जी की जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा न सके। 2015 में रमेश जी को लकवा मार गया। आज जब रमेश जी की दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया हुआ पैसा उन्हें काटता है, क्योंकि रमेश जी उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानते हैं। एक दिन रमेश जी कुछ दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गए। उन्हें 100 रुपये का इंजेक्शन 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय रमेश जी की जेब में
कुल 500 रुपए ही थे। उन्हें इंजेक्शन के बिना ही मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय रमेश जी को उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और वे घर चले गए। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं थी, ये रमेश जी के जीवन की एक सच्ची घटना थी। मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।